तो दोस्तों ये रहा भाई ठंगा गांव, ये है तल्ला ठंगा, पूरे रोड के हेड पे ही है। ये देखिए सड़क से ही घर शुरू है। तो गाइस यहाँ पे संजय भी आ रखा है जल चढ़ाना, कि मुझे अच्छी सी बुआरी मिले तभी आ रखा है, नहीं तो नहीं आता। नहीं दोस्तों श्रद्धा भावना भी एक नामी चीज होती है। नहीं नहीं ये बुआरी के लिए आ रखा है। और कुछ लोग यहाँ पे भी बैठ रखे हैं। ये देखिए भाई आगे दर्शन कैदी कर कह गाँव का छो। अच्छा हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय रावत और आप सबका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में, संजय रावत ब्लॉग्स में। आशा उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों हम भी एकदम फर्स्ट क्लास है और आज का ब्लॉग भी मैंने स्टार्ट कर दिया अपने प्यार से गाँव अनपुर से। और आप सबको उस महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, भोले बाबा का आशीर्वाद आप सभी दर्शकों पर बना रहे। तो चलिए आपको सबसे पहले आज का मौसम भी दिखा लेते हैं। ये देखिए आज तो एकदम मस्त वाली धूप आ रखी है। ये देखिए पूरा आसमान एकदम क्लियर है भाई, और सड़क भी देखिए यहाँ पर कितनी चौड़ी हो चुकी है। और दोस्तों आज मेरा भी फास्ट है, मेरा भी उपवास है, तो आज मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए कुंजली के शिवालय में। तो आप सबको भी ले चलते हैं वहाँ, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। अब आपको मिलते हैं सीधा कुंजली के माध्यम में, तो बने रहिएगा ब्लॉग में भाई। दोस्तों मैं ठंगा गांव से अभी अभी गुजरा, तो यहाँ पे मुझे सासू जी भी नजर आ गई, मेरी छोटी भाभी की मम्मी जी। और सास जी बढ़िया ना? बढ़िया, घर में सब बढ़िया। और यहाँ पे दूसरे सास जी भी है, नमस्ते। देख दस जब लोग। तो दोस्तों ये रहा भाई ठंगा गांव, ये है तल्ला ठंगा, पूरे रोड के हेड पे ही है। देखिये सड़क से ही घर शुरू है। तो दोस्तों यहाँ पे सासू जी मेरे लिए पालक भी तोड़ने लग गए भाई, तो सासू जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिये भाई आप लोगों को भी चाहिए तो आ जाइए भाई। ये देखिए एकदम हरा हरा पालक, घरे पलिंगो बोल रहे हैं, ये देसी नहीं है, एकदम घर का है। अच्छा, ये देखिए भाई अच्छा स्वाद वाला, अच्छा स्वाद वाला इसकी बनाएंगे हम, धपड़ी नहीं तो भुज्जी, पालक पनीर जो बना सकते हो आप लोग। तो चलिए तब चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये देखिए हमारे लिए फंची भी तैयार कर दी इन्होंने, इतना बहुत है भाई। तो चलो ठीक जा, चला है, बाय 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 गाइस। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कुंजली के महादेव में, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं यहाँ का व्यू। ये देखिए भाई ये रहा कुंजली महादेव का मेन गेट, और काफी सारे लोग आ भी चुके हैं यहाँ से दर्शन करके। और ये देखिए भाई रोड के सामने से ही है, यहाँ नीचे को जाना है। ये देखिए नमस्ते 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 नमस्ते, ठीक ठाक। तो ये देखिए भाई ये रहा कुंजली का शिवालय, ये देखिए भाई ना हम आप जाना सब भाई। अच्छा अभी हुआ था, बैठ बहुत ज्यादा तो बरसात के टाइम पे तो यहाँ पे बहुत ही खतरनाक ये रौला आया रहता है। और इस साइड को है मंदिर और इधर ऊपर को हो गई रोड, और यहाँ पर सारे दादी लोग तो आ भी गए दर्शन करके। है क्यों ना तुम सब यहाँ? अच्छा आओ आओ मठ मठ। अच्छा ठीक है। और दोस्तों मेरे साथ अमृता भी आ रखी है, तो अमृता के लिए भी आ रखी है कॉल। तो ये देखिए भाई, और दोस्तों यहाँ नीचे जाने के लिए फर्स्ट क्लास रेलिंग भी लगी है। ये देखिए भाई एकदम साफ सुथरा हो रखा है रास्ता। और ये देखिए भाई ये रहा रौला, उस साइड को बकरियाँ भी आ गई है। ये देखिए बकरियाँ भी नज़र आ रही होंगी आपको, और इधर से जा रहा है ये रौला भाई। बरसात के टाइम पर तो ये पूरा फुल रहता है, जिधर जिधर तक आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं पूरा भरा रहता है ये पानी से। और कुछ लोग यहाँ पे भी बैठ रखे हैं। ये देखिए भाई आगे दर्शन कैदी कर कह गाँव का छो। अच्छा और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे फरसाड़ी मार्केट नजर आ रहा है यहाँ से, ये रहा। तो दोस्तों ये रही भाई अमृता। अमृता कैसा लगा था आपको सफर? तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे को। तो मैडम ये रहा भाई मंदिर का मेन गेट, यहाँ पे बच्चे भी घंटी बजा रहे हैं। मजे आला, जय हो भोलेनाथ। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमारे गांव के मिल गए, नमस्ते नमस्ते दीदी जी। और ठीक ठाक छो? हाँ माँ पापा सब ठीक ठाक, सब बढ़िया, तुम्हारे कारण सब बढ़िया। तो दोस्तों ये मिली है हमें दीदी जी। दीदी जी का मायका फुलडिंग गांव में है और ससुराल है गड़गड़ गांव में। तो ये है अंकुश की दीदी जी, हमारी भी दीदी हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर दीदी भी मिल गए हमें इस मंदिर में, काफ़ी सारे लोगों से मिलना भी हो रहा है।
और सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर मंदिर का प्रांगण दिखाता हूँ मैं। कितना सुंदर यहाँ पे प्रांगण बना रखा है मंदिर का, ये देखिए एकदम टाइल्स वगैरह हो रखी है, बैठने के लिए भी बना रखे हैं, और ये देखिए साफ सफाई एकदम टनाटन हो रखी है। बच्चे भी लगे हैं यहाँ पे अपनी खेल में, यहाँ पर देखिए भाई सभी लोग अपनी पूजा पाठ भक्ति सब लगे हैं भाई। ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ का नज़ारा। तो दोस्तों यहाँ पे तो भजन भी चल रहे हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पूजा करते हैं। यहाँ दिखाई दे रही हमें भोलेनाथ जी की प्रतिमा। दोस्तों हमने भी मस्त करके धूप जला दी है, और ये रहे भोले बाबा जी, और भोले बाबा जी के इस साइड को है हनुमान भगवान जी, और आप इस साइड को भी नजर मारेंगे तो यहाँ पे है सरस्वती माता, ये देखिए भाई। तो आप सभी दर्शकों पर भी सभी भगवानों का आशीर्वाद बना रहे, ये देख लीजिए भाई, दर्शन कीजिए आप लोग भी महादेव का। तो यहाँ धूप के कारण बहुत ही धुआं धुआं हो रखा है, ये देखिए भाई। दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ जल चढ़ाया जा रहा है और इतनी भीड़ हो रखी है कि तो गाइस यहाँ पे संजय भी आ रखा है जल चढ़ाने के लिए, मुझे अच्छी सी बुआरी मिले तभी आ रखा है, नहीं तो नहीं आता। नहीं दोस्तों श्रद्धा भावना भी एक नामी चीज होती है, बुआरी के लिए आ रखा है। बुआरी तो तब मिलेगी, तब मिलेगी, मेरी बुआरी को कोई नहीं ले जाएगा, मेरे ही घर आएगी, पता चल रहा है कि संजय की शादी हो रही है और बुआरी दूसरे दिन फरार। जब होगा चल जाते, चल जाते, चल जाते, और क्या कहेगा, भाग का दाना बल कहीं नहीं जाना, एक जाएगी दूसरी आएगी। सही है, सही बोल रहे हैं ना, सही। और क्या देखो भाई, ये दादी जी भी मेरे सपोर्ट में है। तो दोस्तों फाइनली मेरा नंबर भी आ गया है, और मैं जल चढ़ा के, जल तो नहीं चढ़ाया, धूप जला के आ गया बाहर, जल चढ़ाया तो अभी अब चढ़ाएंगे हम जल भी। और ये देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है, ये देखिए भाई कितने सारे श्रद्धालु भक्तजन आ रखे हैं, सब जल चढ़ाने पे लगे हैं। चलिए हम भी चलते हैं बाहर को, लोटा यहाँ पे मिल गया है, हम भी चढ़ाएंगे अब जल। तो चलिए दोस्तों अब जल चढ़ाएंगे और जल लाएंगे यहाँ पर इस रौले से। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी ला ही रहे हैं जल को, तो चलिए हम भी लाते हैं। नमस्ते नमस्ते, तुम्हारा मस्त मस्त फोटानी भाई, ये देखो भाई टनाटन हो गया ना पूजा पाठ, पेट पूजा करना था बुन। पेट पूजा कौन सुगुरु दिन बाल फल खा ले मेरे बाद में वो मलाग को खाने ले। अब के बल्ली भाई मेर प्यारे प्यारे मिते ते खमिते घड़े में था बहुत प्यार था मी से मिता भी देजे भाई। हाँ मैं बहुत प्यारा लगता है मुझे। धन्यवाद, मुझे भी आप बहुत प्यारे लगते हो। हाँ। ये देखिए भाई सारे ये खेतों गांव वाले हैं। हाँ। तो खेतों गांव के भी मिल गए हैं। तुम भी देख दो मेरा ब्लॉग ना, के नाम से तुम्हारा संजय रावत ब्लॉग, ये तो पूछा पिंक बथे दिल तुम दे। हाँ चला ठीक चता है ना। एकदम भक्त से भर जा रहा है ये देखिए। तो चलिए भोलेनाथ जी हम भी आते हैं आपकी शरण में। धन्यवाद आपका जो हमें यहाँ पे कैप्चर कर रहे हो, हमारी ब्लॉगिंग कर रही है हमारी यहाँ पे प्रियंका जी।
जो कि हमारी फ्रेंड भी है, अब उनकी शादी हो चुकी है, तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। वेलकम वेलकम, पूरी मनोकामना पूरी हो भाई, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चलो ये देखिए दोस्तों, जल भर के ले आए हैं, अब चढ़ाते हैं। तो चलिए बाबा जी का भी आशीर्वाद लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, देखिए धुनी है, ये भी जलती रहती है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए बबूती, नमस्कार बाबा जी, ये रे भाई कुंडली गांव के महादेव के बाबा जी। और बाबा जी नमो नारायण। और बढ़िया स्वास्थ्य पानी ठीक है। तो यहाँ पे भाई बाबा जी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और तिलक लगा रहे हैं और सबको प्रसाद भी बांट रहे हैं, ये देखिए भाई। और यहाँ पर ये मुनि दीदी की मौसी जी वो भी आते रहते हैं, और बाबा जी का आशीर्वाद हम भी लेते हैं भाई। तो ये देखिए दोस्तों, बाबा जी के भेंट में ये देखिए हमें फल स्वरूप ये देखिए प्रसाद मिल गया है, टॉफी और बेर और बनाना केले, ये देखिए भाई। तो दोस्तों इस साइड को ये देखिए, यहाँ पे भंडारा आयोजित कर रखा है, यहाँ पे भंडारे के लिए पूरी प्रसाद वगैरह बनाए जा रहे हैं, पूरी छोले हलवे जो भी बनता है, ये देखिए भाई गर्मा गर्म। तो जिसका फास्ट नहीं है वो यहाँ पे प्रसाद खा के जा सकता है भंडारा। यहाँ पे कद्दू की सब्जी भी बन रही है प्रसाद में, और यहाँ पर पूरियाँ तली जा रही है भाई गर्मा गर्म, ये देखिए। और इधर बेली जा रही है, और इस साइड को ना जलेबी भी बन रही है। नमस्ते, ये देखिए भाई टनाटन इसमें कलर में डाला जा रहा है, उधर से बन के आ रही है जलेबी, और ये देखिए गर्मा गर्म जलेबी निकल रही है। और ये जो छोटे छोटे मंदिर टाइप में बना रखे हैं ना दोस्तों, ये है यहाँ जितने भी बाबा माई जी रहते थे उनकी समाधि बना रखी है। तो जैसे उनकी डेथ हो जाती है तो उन्हें यहीं पे रख देते हैं जमीन के नीचे ऐसे बैठा के, और उसके ऊपर उनकी ये मंदिर टाइप में समाधि बना देते हैं। अब तो यहाँ दोस्तों काफ़ी सारी भीड़ उमड़ चुकी है, ये देखिए भाई कितने सारे सरदारू भक्तजन आ रखे हैं। मिल गया प्रसाद, खुश बच्ची के लिए ले जाएंगे अपनी बेटी के लिए। टनाटन, ये देखिए दोस्तों कितनी सारी भीड़ हो रखी है यहाँ। तो और यहाँ भजन हो रहे हैं, डांस भी हो रहा है। पर देखिए भाई शीतल को भी मिल चुका है प्रसाद, अब वो अपने प्रसाद को खिला रही है अपने बच्चे को। ये देखिए क्या नाम चाहिए, क्या नाम ही बिस्तर जॉन गोलू, और गोलू अच्छा हो रहा है, मुझे भी दे दे थोड़ा सा, दे दे यार मुझे भी थोड़ा, क्या लगे फेवरेट, नहीं देगा नहीं देगा, दे दे यार थोड़ा। और आपका नाम क्या है बाबू? हेलो, आप बताओ अपना नाम। अनुष्का। अरे वाह कितना प्यारा नाम है अनुष्का, कौन सी क्लास में अनुष्का आप? दो में हो, बहुत अच्छा, आज मंदिर में आ रखे हो। और किसके साथ आए आप? कहाँ है आपकी चाची? ये रही आपकी चाची, अरे वाह शीतल तो चाची भी बन गई यार। बच्चों का ना दोस्तों अलग ही सीन हो रखा है, खेलने पे लगे हैं, भागा दौड़ी करने पे लगे हैं। और जी ठीक हो? बढ़िया। यहाँ पे और दोस्तों मुझे यहाँ पे मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर भी मिल चुके हैं, जो कि कौन से गांव के हैं? मासी, मासी गांव के हैं भाई। तो राज ब्लॉग को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपका देखते हो डेली? यस, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और पहुँच गए अभी पहुँचे। तो यहाँ पे भंडारा भी स्टार्ट हो चुका है, ये देखिए भाई सभी लोग खाने लग गए हैं भंडारा।
तो दोस्तों यहाँ कहा जा रहा है कि आज भंडारा बना है और आप लोगों ने पूजा पाठ भी कर ही दिया है, तो बाबा जी बोल रहे हैं कि आप लोग भंडारा खा के अपना व्रत तोड़ सकते हैं। तो चलिए हम भी ऐसे करते हैं, हम भी पहले बार सुन रहे हैं ऐसा, तो चलिए हम भी खाते हैं भोग जो भी बना है महादेव के नाम का, तो चलिए हम भी खाते हैं। तो दोस्तों हमें दुविधा में डाल दिया है, काफ़ी सारे लोगों ने, कोई बोल रहा है कि प्रसाद खा के जा रहे हैं, कोई बोल रहा है व्रत वाले अभी नहीं खा रहे हैं, तो चलिए हम भी नहीं खा रहे, हम भी घर पे ही खाएंगे। बैठ तो गए हैं लेकिन हमने अभी खाया नहीं है, ना अभी हमें मिला है, तो चलिए अब शाम को अपने घर पे ही खाएंगे, घर पे अपने उपवास को तोड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कई लोग ना पानी में मज़े ले रहे हैं, ये देखिए पैरों डाल के फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं, रील्स वगैरह बना रहे हैं भाई। तो चलिए अब हम भी चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम भी निकलते हैं यहाँ से, आपको सीधा मिलते हैं अब सीधा घर पे, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। बाबा कैसा कर दिया यहाँ पे साहिल, पहुँच गए हैं दोस्तों, मैं भी पहुँच गया घर पे, और ये देखिए यहाँ तो खतरनाक हो गया सीन। खाना कहाँ बर्त है आज मेरा, आपने खा लिया था? खाना खा लिया। और साहिल क्या हुआ? अरे इसका भी मुश्किल है कुछ। तो दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं और मैं भी आ चुका हूँ असुरगढ़ी के लिए, तो चलिए अब असुरगढ़ी के मंदिर में भी चलते हैं, धूप दिया करके आते हैं, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं भाई। तो ये देखिए भाई दोस्तों थोड़े बहुत लोग यहाँ भी आ रखे हैं और व्यू पॉइंट में थोड़े बच्चे, छोटे बच्चे फोटोज ले रहे हैं। तो दोस्तों मस्त करके पूजा पाठ भी कर दिया है और सभी भगवान जी का आशीर्वाद भी ले लिया है, और यहाँ पे हनुमान भगवान जी और महादेव और गौरी जी और यहाँ पे नंदी बाबा का आशीर्वाद सभी दर्शकों पर बना रहे। तो दोस्तों असुरगढ़ी से भी मस्त वाला व्यू आ रहा है, ये देखिए भाई चारों तरफ असुरगढ़ी मंदिर के। और सुबह आए थे शायद लोग यहाँ, अभी तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं, थोड़े बहुत लोग यहाँ पे हैं व्यू पॉइंट में फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे हैं, ये देखिए भाई, बाकी तो ऐसा है कुछ शाम का नज़ारा भी। तो चलिए भाई दोस्तों चलते हैं हम भी, यहाँ पूजा भी कर दी है मैंने और यहाँ पर भरोली गांव के बच्चे भी मिले मुझे, ये देखिए भाई हाय कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और यहाँ पर छुटकी पहन रही है जूते हैं, ये देखिए हाय हाय गाइस कैसे हो, हाय अपना अपना नाम बता दो फटाफट। माय नेम इज सिमरन जोशी। माय नेम इज श्रीतिका रावत। और आपका? माय नेम इज। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अब सीधा नीचे, तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग को भी यहीं पे समाप्त करते हैं, आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आने पे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब भी कर दीजिए ऐसे अच्छे अच्छे नए नए ब्लॉग देखने के लिए। और दोस्तों मिलते हैं अगले मज़ेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देव भूमि जय उत्तराखंड, धन्यवाद दोस्तों।